अब जो है वो असल राइड शुरू हो रहे हैं। अच्छा, असल जो राइड शुरू हो रहे हैं उससे पहले मैं दो बातें कर लूँ कि एक तो ये कि जो आम तौर पे एक तसव्वुर है कि ये तो इंसानियत हुक्म का जो तसव्वुर है जो मगरिब से आया हुआ एक तसव्वुर है, और इस्लाम के अंदर तो इंसानियत हुक्म नहीं होते, बल्कि कुछ लोग यहाँ तक कहते हैं कि इस्लाम के अंदर इंसानियत हुक्म नहीं होते बल्कि इस्लामी हुक्म होते हैं, ठीक है ना। तो हालांकि अगर हम देखें तो इन इंसानी हुकूक की जो डेफिनेशन और इंटरप्रिटेशन है वो भी इस्लामिक पर्सपेक्टिव में होनी है, ये बात तो पहले से तय है ना। तो जहाँ तक इन इंसानी हकूक का बताते खुद ताल्लुक है, तो वो सारे अगर देखें तो पहली दफ़ा इंसानियत को किसने दिए थे, वो इंसान इस्लाम ने दिए थे, इस्लाम में उससे पहले तो नहीं थे। और दूसरा ये है कि इस्लाम ने कुछ ऐसे हकूक दिए हैं जो गैर मुस्लिमों को भी हैं, मुसलमानों को भी हैं, किसी भी मज़हब वाले लोगों को हैं, ठीक है। अब वो जो मज़हब से बालातर होकर बहसीत इंसान उसका हक है, जैसे कहते हैं हर इंसान की जान माल इज्जत आबरू हाँ उसका तहफ़ुज़ है ना, जैसे तो हर इंसान को जो हुकूम है उसको इंसानियत हुकूम कहेंगे ना उसको। अब मतलब कि मगरिब ने किस तरह ह्यूमन राइट्स का करके, चूंकि उसको एक बड़ा नेगेटिव माने में भी जाती हैं वो बातें, तो उससे बात एक दूसरी इंतहा पैदा होती है कि नहीं इंसानी हुकूम तो इस्लाम में है ही नहीं, सारे इस्लामी हुकूम होते हैं इंसानी हुकूम होते ही नहीं है, तो ये सिर्फ अल्फाज का ही। ये उनकी उनकी ये उनका सोच है ना। हम तो ये कहते हैं कि हाँ इस्लाम इंसानी हकूक का जो मंशूर है वही इस्लाम से ही तो वो माखज हुआ है ऐसे ही। इसको। अच्छा, उसमें पहली जो चीज़ आ रही है वो है सिक्योरिटी ऑफ द पर्सन। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ और लिबर्टी सेव इन अकॉर्डेंस विद लॉ, कि किसी शख्स को उसकी आज़ादी और जिंदगी से महरूम नहीं किया जा सकता इल्ला बिल हक, हाँ इल्ला बिल्हा, ठीक है यही कहना गया था, जी। वही इल्ला जो बिल्हा आयत आती है ना कि किसी जान को कत्ल ना करो इल्ला बिल हक। अल्लाह। अच्छा, आगे है सेफ गार्ड एज टू अरेस्ट एंड डिटेंशन। ये जरा लंबा आर्टिकल है, आर्टिकल 10, और ये कैद से रिलेटेड और किसी की गिरफ्तारी से रिलेटेड, ये बड़ा एक जी जी ना हॉट तफसील तलब इश्यूज है, एक चीज़ हॉट है, इश्यूज हॉट है इशू है। और आजकल आपको पता है जिस तरह मामला चल रहे हैं कि भाई बंदे उठा लिए और मतलब इतने जी। इतने ऐसे दिन से जो है उन्हें रखा हुआ है, रखा हुआ ये सारे मामला जो है वो सारे इसके अंडर जेर इसमें बहस जी आते हैं। आर्टिकल 10 है, उसका पहला सब आर्टिकल है, नो पर्सन हु इज अरेस्टेड शेल बी डिटेन्ड इन कस्टडी विदाउट बींग इन्फॉर्म्ड एज सून एज मे बी ऑफ द ग्राउंड फॉर द अरेस्ट फॉर सच अरेस्ट। जो वो बात आई ना, अगर आपने किसी की लिबर्टी भी कर्टेल करनी है ना, ये ठीक उसके कानूनी तरीके हैं कि आप उसको बताएं, कि ठीक किसी को आप गिरफ्तार करना उसको है, गिरफ्तार किसी करना है, शख्स उसको को गिरफ्तार बताएं। नहीं किया जा सकता इल्ला ये कि आप उसे हाँ बताएं उसकी बताएं। वजह, ग्राउंड्स ऑफ सच हाँ अरेस्ट। हाँ नोर शेल ही बी डिनाइड द राइट टू कंसल्ट एंड बी डिफेंडेड बाय ए लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ हिज चॉइस, अपनी मर्जी का वकील भी करने का उसे हाँ उसका हक अख्तियार है है। जी। ठीक है अच्छा, एवरी पर्सन हु इज अरेस्टेड एंड डिटेन्ड इन कस्टडी शेल बी प्रोड्यूस्ड बिफोर ए मजिस्ट्रेट विद इन पीरियड ऑफ 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है। अच्छा सर, ये अब किसी भी बंदे की बात हो रही है, चाहे उसका वारंट जारी हुआ था, चाहे उसको आपने हुक्म इंतनाई का वो जो मैं मतलब आपको खुद पकड़ बताता हूँ लिया, किसी ऊपर बंदा वक्त पे जुर्म करते हुए आपने उसे फौरन से पकड़ लिया, किसी भी तरह पकड़ा है। इसमें ना दो कॉन्सेप्ट जो है ना वो पीछे क्या है कि सबसे पहले अरेस्ट का जो इख्तियार है ना वो जुर्म दो तरह के बनाए हुए हैं। ठीक है एक है जिसमें पुलिस मे अरेस्ट विदाउट वारंट, मे अरेस्ट विदाउट वारंट, हाँ, और एक है पुलिस शैल अरेस्ट विद द वारंट, यानी शैल नॉट अरेस्ट विदाउट वारंट। ठीक है जो तो वारंट अहिनियस है ना, जो उसमें पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट यानी कि हीनियस जुर्म हुआ है, 302 हो संगीन गया, जुर्म हो रहा है, संगीन कत्ल जुर्म हो हुआ है। रहा है कहीं कहीं, हाँ, कुछ हो रहा है। अब पुलिस को पता है कि अगर वो मजिस्ट्रेट के पास जाए, मजिस्ट्रेट को सेटिस्फाई करे कि ये बंदा हमें चाहिए, हमें इसको अरेस्ट करना है, आप हमें वारंट दें, इतने देर में तो वो बंदा जो है जिसने जुर्म किया है वो भाग जाए या वो हाँ उसकी पहुँच से ठीक दूर है चला जाए। ठीक, इसमें तो पुलिस को इख्तियार दे दिया कि वो अपनी समझ के मुताबिक। अच्छा, ये जो अरेस्ट अच्छा वो होता जो है ना, काबिले दस्तंदाजी पुलिस होता है वो यही होता है, काबिले दस्तंदाजी पुलिस यही होता है, ठीक है ठीक ठीक है जी, कॉग्नाइजेबल एंड नॉन कॉग्नाइजेबल हाँ हाँ ऑफेंस, हाँ ठीक है। तो जो काबिले दस्तंदाजी पुलिस होती है उसी में ही FIR दर्ज होती है। ठीक है वो ऐसा होता है कि जिसमें पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट, ठीक ओके है ओके जी, एक वो उसमें पुलिस ने खुद सोचा FIR दर्ज होगी। अब यहाँ भी एक मुगालता है लोगों में कि अगर FIR दर्ज हो गई तो वो अब जिसका नाम आ गया अब उसको पकड़ना लाजमी हो गया, ऐसा नहीं है। ठीक पकड़ने के लिए, उसको अरेस्ट करने के लिए भी पुलिस के पास कुछ ना कुछ प्राइमा फेशी कहते हैं, यानी कि पस मंजर में कोई एविडेंस होनी चाहिए, पुलिस तो को पता बुनियादी नहीं, कोई ऐसा ऐसी होना कोई ऐसी चाहिए। होनी चाहिए जो उसको कनेक्ट कर रही है। ऐसा नहीं है कि नाम लिखवाया और जाके फौरन बंदे को पकड़ लिया, ऐसा नहीं है। कोई ना कोई इसके पास एविडेंस, वो एविडेंस क्यों ज़रूरी है कि वो सेटिस्फाई हो खुद कि हाँ ये वाकई ही इसके साथ अटैच है, इस जुर्म के साथ ये अटैच है, ठीक है ठीक है। अगर उसको किसी ने इन्फॉर्मेशन दी है तो वो क्रेडिबिलिटी वो देखेगा कि बंदा ठीक उसको फंसाने के लिए तो नहीं इन्फॉर्मेशन दे रहा। ठीक
वो खुद मुतमिन हो गया, उसने अरेस्ट कर दिया। ठीक है, एक कंडीशन वो है, और फिर उसने पहले तो वो खुद मुतमिन हुआ, उसने अरेस्ट किया, अब 24 आवर्स के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके अपनी जो प्रायमा फेशाई बात थी ना, जो उसने मुतमिन था, वो अब मजिस्ट्रेट को बताएगा और उसकी कंसेंट लेगा कि मैंने तो इस बुनियाद पर किया अरेस्ट। अगर आप समझते हैं, क्योंकि कटेल करें लिबर्टी, ये बहुत बड़ी बात है, फंडामेंटल राइट आप उसका खत्म कर रहे हैं। ठीक है, तो वो मजिस्ट्रेट को अपनी सारी बात बताएगा। अब मजिस्ट्रेट साहब जो उनसे है ना, वो उसको देखेंगे कि ये जो इसने बेस बनाई थी अरेस्ट की, वो ठीक थी या गलत थी। अगर तो मजिस्ट्रेट साहब समझेंगे कि ये ठीक थी, तो वो फिर उसको एक या दो दिन के लिए उसकी कस्टडी, उसको कहेंगे तुम्हारी कस्टडी में लीगलाइज करता हूँ, तुम इसको दो दिन के लिए अपने पास रखो, जो भी तुम्हें इन्वेस्टिगेशन करनी है करो, दो दिन बाद मेरे पास पेश करो। ठीक है, इसकी भी हद है, 14 दिन से ज्यादा नहीं कह सकता। फिजिकल रिमांड, ठीक है, और आमतौर पर बोलते हैं जिस्मानी रिमांड, ये सिर्फ रिमांड भी बोलते हैं। ठीक है ना, बंदा रिमांड पे है, मतलब उसको मजिस्ट्रेट ने उसकी कस्टडी लीगलाइज कर दी है, अब वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल उस वक्त होता है जब मजिस्ट्रेट उसको कस्टडी लीगलाइज ना करता, या वो पेश ही ना करता मजिस्ट्रेट के पास। ठीक है, ओके, हो गया जी। अच्छा, अब दूसरी सिचुएशन यहाँ पे, एक अगर फर्ज करें वो पेश नहीं करता और बाद में पेश करता है, 3 दिन बाद पेश करता है, वो अनलीगल, वो फिर उसके ऊपर वो उसे अनलीगल डिटेन किया है, तो इसकी कोई सजा भी सजा है सर, वही पिनल कोड की सजा है 342 पुलिस वाले के ऊपर लगती है, वही लगती है, पाकिस्तान पिनल कोड हर बंदे पे लगती है, पुलिस वाला कत्ल कर दे तो उसको नहीं लगेगी 302, वो तो हर बंदे पे अप्लाई करती है ना, यानी कि वो उसकी प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज में नहीं रहा, फिर वो हाँ, फिर वो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं रहा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, फिर उसकी वो लाइफ एंड लिबर्टी आपने उसकी कटेल कर दी ना। मजिस्ट्रेट साहब पेश करें, मजिस्ट्रेट समझता है, मजिस्ट्रेट साहब के भी ये ठीक है बात, आपने सही इसको, आपने जो ग्राउंड दी थी वो मुझे भी अपील कर रही है, ठीक किया आपने, तो उसकी लीगलाइज कर देगा। इसमें मैं ऐड करूँ, मेरे हमारे एक दोस्त थे, वो बता रहे थे कि असल में पुलिस वालों के पास भी ना, वो उनका जो रोजनामचा होता है जिसमें उन्हें अपने रोजमर्रा के जो भी काम है उसके अंदर उन्हें लिख रहे हैं, किसी बंदे को पकड़ के वो लाए हैं थाने में, तो उन्होंने उसका टाइम मेंशन करना है कि इतने बजे इस तरीके को हम इस बंदे को लेके आए हैं। अब आमतौर पे यहाँ चोर रास्ता क्या होता है, कि वो बंदे को आगे पकड़ लिया, शो किया, पीछे किसी कमरे में बंद कर दिया, दूसरे किसी घर में बंद कर दिया, ये उन पुलिस के काम है ना। देखिये इसमें फिर क्या होता है कि आपको पता चल गया वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल रखा हुआ है, आप अगर आपके पास ऐसा इन्फॉर्मर है जो आपको जगह बताता है, आप जाते हैं सेशन कोर्ट में, सेशन कोर्ट में या हाई कोर्ट में, उन्हें कहते हैं मेरा फंडामेंटल राइट कर्टेल हो गया। अच्छा, फंडामेंटल राइट जब कटेल होता है ना किसी बंदे का, तो वो इसकी बस डायरेक्ट जाता है हाई कोर्ट में, या हाई कोर्ट ने कहीं पावर डेलीगेट की होती है, वो हाई कोर्ट में जाके 199 आर्टिकल के तहत रिट दायर करता है। वो रिट है ही इसी पर्पस के लिए कि किसी भी बंदे का मुल्क के अंदर फंडामेंटल राइट कटेल हो जाए, फौरन हमारे पास आ जाए, हम उसका वो बहाल करा के देते हैं, लंबे प्रोसीजर में नहीं डालते। अच्छा, ठीक है, तो वो जाके फौरन वहां, जब हम 199 पे आएंगे ना, मैं आपको वो पढ़ के बताऊंगा, हिबिस कॉर्पस, तो वो वहां पे जाएगा, उसे कहेगा जी मेरा फलाने फलाने मेरा भाई है, उसका फंडामेंटल राइट था लिबर्टी, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से उन्होंने कटेल कर दिया, अदालत फौरन अपना बंदा भेजेगी। अदालत हाँ अपना भेजा, नहीं नहीं अदालत पुलिस तो एक सेपरेट है ना, अदालत अपना बंदा भेजेगी, आप बैठे होंगे अदालत के साथ, मैं बनूंगा ना, मैं आपको भेजूंगा, ठीक है, अगर फैसलाबाद कभी नजर आना मुझे, ठीक है ना, मैं कहूंगा डॉक्टर साहब जाएं, आप अदालत की जगह जा रहे हैं, समझे आप अदालत ही हैं। अच्छा, आप जाके बंदा रिकवर करके लाएं, आप जब जाएंगे पुलिस को आपने ऑर्डर दिखाना है, पुलिस आपके मतहत हो जाएगी, ऐसा जो आपके पीछे चलेगा, आप कहेंगे मुझे वो डेली डायरी दिखाओ, डेली डायरी का मतलब क्या, वही रोजनामचा दिखाओ कि बंदा गिरफ्तार किया है, ठीक है, जो आप सारा देखेंगे वो 4-5 दिनों का, जो आप देखोगे एक एक लाइन पढ़ोगे, मंत्री गिरफ्तारी नहीं है, आप कहोगे चलो जी सारा थाना चेक करो ऊपर नीचे, समझ लगी बात क्या, आप सारा थाना में चेक करोगे, आप उस अपने जो आपके पास इन्फॉर्मर होगा उसे और कोई जगह है, वो कहेगा हाँ हाँ ये साथ वाला घर है, आप चलो जी आओ दरवाजा तोड़ो जी अंदर जाओ, बंदा अंदर होगा उसे पूछोगे तुम्हारा नाम क्या है, वो कहेगा ये नाम है, वो जो भी सूरत हाल होगा आप देखोगे चलो आओ आओ और मेरे साथ गाड़ी में बैठो, गाड़ी में बैठ कर अदालत में ले जाएंगे, आपका काम सिर्फ इतना था, आपके पास पावर सिर्फ इतनी थी। अब अदालत उससे पूछेगी हाँ भाई तुम कहाँ थे, वो कहेगा जी मुझे इस बंदे ने पकड़ा था, इस बंदे ने पकड़ा था, उसे पूछेंगे तुमने क्यों पकड़ा था, तुम्हारे पास आया कोई इसकी कस्टडी का वो लीगलाइज है जवाब है, वो कहेगा नहीं है नहीं है, तो उसे कहेगा इसको छोड़ दो इसको पकड़ लो, अच्छी और इसका पकड़ के इसका पर्चा देगा मैं बताऊँ, ठीक है ना, उसके तो ये तो सारा कुछ हो गया इस तरह मामले में जिसमें पुलिस खुद पकड़ने का अख्तियार नहीं किसी भी बंदे पे,
किसी भी बंदे में अगर कोई बंदा आप मुझे कर लेते हैं, मेरा भाई चला जाता है, तो वो आपकी उसमें लेकिन वो जो दूसरी तरह के जुराम है जिसमें पुलिस ने अदालत से वो लेके उसमें जाना। वो उसमें थोड़े से लेस वो भी होते हैं हीनियस है, लेकिन थोड़े से लेस हीनियस होते हैं ठीक है। उसमें। अदालत पुलिस ये समझती है, इन कानून ने बाउंड कर दिया पुलिस को कि इसमें आपने ओपिनियन जो बनाना है ना वो अभी इसमें अर्जेंसी इतनी नहीं है ठीक है जी। तो अब आपने जो ओपिनियन बनाना है वो आपने पहले मजिस्ट्रेट से सर्टिफाई करवाना ओपिनियन ठीक है जी। तो वो फिर पहले अपना ओपिनियन बना के लिख कर मजिस्ट्रेट साहब को देंगे, मजिस्ट्रेट साहब उसको देखेंगे, उसके देखेंगे, फिर उसके वारंट देंगे, वारंट ऑफ अरेस्ट जारी करेंगे, फिर वो बंदा उसके पास जाएगा, उसको अरेस्ट करेगा, पेश उसको भी करेगा, 24 घंटे के अंदर, करेगा उसको भी यानी कि पेश किसी भी सूरत में उसे 24 घंटे के अंदर पेश करना ही करना जी, करना ही करना है मजिस्ट्रेट साहब को। सिर्फ पेश करने का मकसद ये है कि इंडिपेंडेंट एजेंसी जो है ना, इंडिपेंडेंट एक जुडिशरी जो है ना, उसका इंडिपेंडेंट तजिया करे कि ये लिबर्टी इसकी कटेल होनी चाहिए या नहीं। सही ठीक। अच्छा और नो अगर सॉरी जी जी अगर उसको पहले ग्राउंड्स पता चली और मजिस्ट्रेट साहब ने डिसएग्री कर दिया, तो मजिस्ट्रेट साहब उसी टाइम उसकी हत्या लिखवा देंगे। यानी वो गिरफ्तार करके लाया, मजिस्ट्रेट साहब को लगा कि नहीं जो इसकी ग्राउंड थी वो ठीक नहीं थी, ठीक। तो मजिस्ट्रेट साहब कहेंगे इसको, इसके लिए हम टर्म बोलते हैं डिस्चार्ज कर दिया उसको, चौबीस बिल्कुल घंटे से जेल पहले भी हो सकता पहले है। भी हो सकता है, 48 घंटों बाद, 2 दिन पुलिस ने दिया, 2 दिन बाद पुलिस के पास आए, पुलिस से पूछा तुमने कोई इन्वेस्टिगेशन की, कोई इसने कोई नई चीज़ बताई, नया फैक्ट बताया, एविडेंस दी, वो कहते हैं जी कुछ भी नहीं हुआ। तो वो मजिस्ट्रेट साहब जो है ना उसको कहेंगे ठीक है, तो ठीक मैं देने का मुझे कोई फायदा नहीं था, इसका मतलब मैं इसको डिस्चार्ज करता हूँ, वो उसको डिस्चार्ज सही। अच्छा करेगा। 24 घंटे के अंदर पेश करना है, एक्सक्लूडिंग द टाइम नेसेसरी फॉर द जर्नी जर्नी फ्रॉम द जर्नी प्लेस ऑफ अरेस्ट टू द कोर्ट ऑफ द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट, जो सफर का वक्त लगेगा वो हाँ इससे अलावा हाँ है। उसके लिए राहदारी रिमांड लेना पड़ेगा, यानी मजिस्ट्रेट ने कराची से पकड़ लिया, कराची पकड़ लिया, ठीक है पाकिस्तान लाहौर का बंदा था, तो वो कराची में जो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट होगा उसके पास पेश करेगा और उसे कहेगा देखिए मैंने इसको लाहौर लेकर जाना है ठीक है जी, अच्छा वो तो टाइम भी वहां वो से एक्सक्लूड लेगा, कर देगा। वहां हाँ वो टाइम भी वहां लेगा, से यानी कि टाइम खरीदेगा कि भाई हाँ मैं मजिस्ट्रेट लाहौर को, लगना है मजिस्ट्रेट के बगैर उसकी इनलीगल है कस्टडी वो, ठीक लेकिन वो टाइम इसमें काउंट नहीं होगा, जो ओवरऑल ठीक 14 दिन है। में काउंट नहीं यानी कि होगा। अगर फर्ज करें कराची से एक बंदा पकड़ा है, अब 3 दिन बाद वो लाहौर पहुंचता है हाँ और तो कहता चलो है जी मैं ते सफर से मैंने टाइम लग गया, तो हाँ लाहौर वाला मजिस्ट्रेट पूछ सकता है कि आपने कराची वाले मजिस्ट्रेट से राहदारी टाइम लिया था कि लिया नहीं था या लिया। नहीं लिया था, नहीं तो अदरवाइज तो ये समझा जाएगा कि यहाँ से पकड़ के 3 दिन रखा हुआ। हाँ ठीक वो ठीक पुलिस ऐसी गलती करती नहीं है, ये तो हम ठीक बातें कर रहे हैं ना, उनको ठीक तजर्बा होता है। सही। अच्छा एंड नो सच पर्सन शैल बी डिटेन्ड इन कस्टडी बियॉन्ड द सेट पीरियड विदाउट द अथॉरिटी ऑफ अ मजिस्ट्रेट। वही बात आ गई। आगे जी नथिंग इन द क्लॉज 1 एंड 2 शैल अप्लाई टू एनी पर्सन हु इज अरेस्टेड और डिटेन्ड अंडर एनी लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन। अब ये यहाँ अलग पे चीज ये आ एक गई नई चीज है, आ गई। इम्तना ही नजरबंदी जो आ गई हाँ है, अब ये प्रिवेंटिव देखें डिटेंशन। मजिस्ट्रेट का यहाँ पेश भी नहीं किया, ठीक इधर बस डायरेक्ट एग्जेक्टिव कोई ऑर्डर अरेस्ट भी नहीं आया। लिया, ओ वारंट भी नहीं लिया, हाँ कुछ भी नहीं एग्जेक्टिव किया, ऑर्डर आया, ये एग्जेक्टिव एग्जैक्टली ऑर्डर के तहत अब प्रिवेंशन आ गई। ठीक है अब इसकी ग्राउंड भी डिफरेंट है, इसका ठीक रिव्यू का तरीका भी डिफरेंट है, ठीक ये वो है नहीं जुर्म वाली, जी 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 ये ठीक तो है ना कि ये तो बल्कि वो है कि जिससे खतरा है कि जुर्म होगा ठीक भाई पता है कि भाई ये हमने आमा खराब कर सकते हैं, लिहाजा करेगा। इन सारे बंदों को हाँ पकड़ इसको लो, पकड़ जो लो। नॉर्मल जो हाँ असल तरीका हमारा हाँ जैसे चलता है जी, अब हाँ उसकी बात आ रही। अब वो इंतनाई नजरबंदी से मुतल्लिक आ रहा है कि हाँ नो लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन शेल बी मेड एक्सेप्ट टू डील विद अ पर्सन एक्टिंग इन मैनर प्रीजुडिशियल टू द इंटेग्रिटी सिक्योरिटी और डिफेंस ऑफ पाकिस्तान और एनी पार्ट देयर ऑफ और एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान और पब्लिक ऑर्डर ये देखें और द मेंटेनेंस ऑफ सप्लाईज और सर्विसेज, ये सारी चीजें हैं जिसकी ये वजह से ग्राउंड है किसी की इम्तनाई नजरबंदी की जा हो सकती सकती है, प्रिवेंटिव डिटेंशन हो सकती है। है। उसमें क्या है कि कोई रियासत पाकिस्तान के दिफा, उसके तहफुज, उसकी इंटेग्रिटी के खिलाफ है या उसके एक्सटर्नल अफेयर्स, बिरूनी जो उसके मामला हैं उसके बारे में कोई, जैसे खारजा पॉलिसी के बारे में कोई जी वो बात कर रहा है, या पब्लिक ऑर्डर या मेंटेनेंस ऑफ सप्लाईज एंड सर्विसेज। अब सप्लाईज एंड सर्विसेज में तो रोड बंद कर दी किसी ने कोई बंद कर दिया, सारा कुछ ही आ जाता। गैस के पाइप तोड़ दिया, पानी हाँ का पाइप तोड़ दिया, हाँ जो ये उसमें सारी भी चीजें इसमें आ जाती उसमें हैं। लगती। एंड नो सच लॉ शैल बी अथोराइज सॉरी एंड नो शैल लॉ अथराइजेस नो अथराइज सच लॉ शैल अथोराइज द डिटेंशन ऑफ ए पर्सन ऑफ ए पीरियड फॉर ए पीरियड एक्सीडिंग 3 मंथ्स, यानी कि 3 महीने से ज्यादा उसे नहीं रखा जा हाँ सकता अनलेस अनलेस द अप्रोप्रिएट रिव्यू बोर्ड हैज आफ्टर अफोर्डिंग हिम एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड इन पर्सन रिव्यूड हिज केस एंड रिपोर्टेड बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ सेड पीरियड दैट देयर इज इन इट्स ओपिनियन सफिशेंट कॉज फॉर सच डिटेंशन। यानी कि 3 महीने से ज्यादा नहीं हो सकता इल्ला ये कि एक अप्रोप्रिएट रिव्यू बोर्ड, वो क्या होता है वो विवाद में देखते हैं, वो एक रिव्यू बोर्ड होता है जो उस बंदे को इन पर्सन सुनेगा, उसके मुताबिक फिर वो फैसला देगा
ये उसी तरह ना जैसे आप अरेस्ट करके किसी के पास मजिस्ट्रेट के सामने लेके जाते हैं ना, तो वो उसके मजिस्ट्रेट उससे पूछता है बताओ तुमने कुछ कहना, अपना डिफेंस भी दो ना भाई। आपको जो पकड़े पुलिस वाले तो बहुत कह रहे हैं कि इसने जुर्म किया ये किया, आप क्या कहते हो? इस तरह अगर वो कहे कि मैंने कोई वकील मैंने करना है, वेट करें मेरा वकील आके बात करेगा, तो उसको उस वक्त भी वकील से बात करने की इजाज़त होती है। मकसद ये होता है कि उसका मौका भी सुना जाए, जिसको आपने पनिशमेंट देनी है, जिसको आपने डिटेन करना है, उसका सुनना ज़रूरी है। अब जब आपने ये ऑर्डर शुरू किया प्रिवेंटिव डिटेंशन का, जी इनको डाल दो जेल उसके अंदर नज़रबंदी में, तो आपने तो उसको सुना ही नहीं, तो उसको राइट दिया ना, उसको राइट दिया उसको तीन महीने के अंदर अंदर उसको सुनना है, तीन महीने तक ना सुने बेशक, ऑब्वियसली ना सुने फिर नहीं। अब इस तरीके से जो को मतलब पकड़ा जाएगा उसको 24 घंटे के अंदर देखें आगे आगे बने आपको आईडिया मिल जाएगा, ठीक है। तीन महीने के अंदर एप्रोप्रिएट रिव्यू बोर्ड जो है वो उस बंदे को सुन के ये फैसला करता है कि हाँ इसको डिटेन करने के लिए सफिशिएंट कॉज मौजूद है, हाँ ठीक है। अच्छा आगे है कि जी एंड इफ द डिटेंशन इज कंटिन्यूड आफ्टर द सेड पीरियड ऑफ 3 मंथ्स अनलेस द एप्रोप्रिएट रिव्यू बोर्ड हैज रिव्यूड हिज केस एंड रिपोर्टेड बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ ईच पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, यानी कि हर 3 महीने बाद वो फिर रिव्यू बोर्ड के सामने पेश होगा और रिव्यू बोर्ड जो है वो ये कहेगा कि इन इट्स ओपिनियन सफिशिएंट कॉज फॉर सच डिटेंशन जो है वो मौजूद है, यानी कि हर 3 महीने बाद वो एप्रोप्रिएट रिव्यू बोर्ड के सामने पेश होगा। लेकिन पॉइंट ये है कि इस तरीके से पकड़ा हुआ शख्स उसके ऊपर वो 24 घंटे वाली नहीं, वो नहीं, वो नहीं लगती, ठीक है, कम से कम 3 महीने के अंदर उसे पेश करना चाहिए। अब आगे इसकी एक्सप्लेनेशन आ रही है, एक्सप्लेनेशन 1 ये है कि इन दिस आर्टिकल एप्रोप्रिएट रिव्यू बोर्ड क्या होता है कि अगर फेडरल लॉ का कोई इशू है तो फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो हाई कोर्ट के जो जज हैं, मतलब कि फेडरल लॉ है तो बोर्ड अपॉइंटेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एंड कंसिस्टिंग ऑफ ए चेयरमैन एंड टू अदर पर्संस ईच ऑफ हुम इज और हैज बीन ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, इस लेवल के बंदों का वो रिव्यू बोर्ड बनाएगा। इसी तरह इन द केस ऑफ ए पर्सन डिटेन्ड अंडर ए प्रोविंशियल लॉ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो है वो बनाएंगे कंसर्न एंड कंसिस्टिंग ऑफ ए चेयरमैन एंड 3 मेंबर बोर्ड होगा, तीनों हाई कोर्ट के जज होंगे, ठीक है, और अगर वो फेडरल से रिलेटेड है तो फिर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या हाई कोर्ट। एक्सप्लेनेशन 2 जो है वो ये है कि ओपिनियन ऑफ ए रिव्यू बोर्ड शैल बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द व्यूज ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ इट्स मेजॉरिटी से फैसला करेंगे, 3 मेंबर्स हैं तो फिर 2 का जो फैसला होगा। अब अगली जो इसकी 5th सब आर्टिकल आ रहा है ना जी, अब उसको मजीद खोल रहा है बात को कि व्हेन एनी पर्सन इज डिटेन्ड इन परसुएंस ऑफ एन ऑर्डर मेड अंडर एनी लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन, यानी कि प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है जिसे हम कह रहे हैं इम्तनाई गिरफ्तारी, इम्तनाई नजरबंदी, इसके तहत जब कोई बंदा पकड़ा जाएगा तो क्या होगा कि अथॉरिटी मेकिंग द ऑर्डर शैल विद इन 15 डेज फ्रॉम सच डिटेंशन कम्युनिकेट टू सच पर्सन द ग्राउंड्स ऑन व्हिच द ऑर्डर हैज बीन मेड। पहला ऑर्डर 3 मंथ्स का ही होगा, लेकिन उसको 15 दिन का टाइम दें, मैक्सिमम 3 मंथ्स का हो सकता है, महीने का भी हो सकता है, लेकिन 15 दिन का उसके अंदर टाइम है, 15 दिन के अंदर वो उस बंदे को बताएगा जिसको नज़रबंद किया है, ताकि अगर उसने इसको चैलेंज करना तो कर ले, चैलेंज करती है किया जाता है ना हाई कोर्ट में, चैलेंज किया जाता है, वो उसको बताएगा ये हमारी ग्राउंड थी, ठीक हो गया जी, अब आगे चलें। अच्छा आगे कम्युनिकेट टू सच पर्सन द ग्राउंड्स ऑन व्हिच द ऑर्डर हैज बीन मेड एंड शैल अफोर्ड हिम द अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी टू मेकिंग ए रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट द ऑर्डर। हाँ जी, वो उसको अगर चैलेंज करना चाहता है, जिस चैलेंज करने का भी यहाँ पे 2 तरीके होते हैं, पहला वैसे फोरम ये होता है, हमेशा लॉ हमें ये एडवाइस करता है सबसे पहले लोएस्ट फोरम पे जाएं, डायरेक्ट आप हाईकोर्ट में ना जाएं या जो भी लोएस्ट फोरम पे जाएं, जिसने वो चैलेंज ऑर्डर बनाया उसी को ही चैलेंज किया जाता है, आपने गलत बनाया, आपको गलतफहमी हुई है, ये ऐसे ऐसे मैं नहीं था, ठीक हो गया जी, अब वो सबसे पहले उसको अपॉर्चुनिटी होगी, अगर उसको डिसमिस कर देता है तो फिर देखते हैं वो अगला स्टेप, डीसी फर्ज करें ऑर्डर करता है उसी को हम करते हैं, तो जिस बंदे ने उसे पकड़, अब पकड़ने डीसी खुद तो नहीं आएगा, कोई और बंदा आया उसने पकड़ के उसे बंद कर दिया, अब वो 14 दिन के अंदर अंदर उसे उसकी वजह बताएगा, उसे मौका देगा, वो पहले तो सबसे डीसी से कहेगा जी मैंने ये आपको गलतफहमी हुई है, ऐसा नहीं थी बात, अगर वहां से बात खत्म हो जाती ठीक है, नहीं तो फिर अगले फॉर्म में चला जाएगा, ठीक है। आगे है कि प्रोवाइडेड दैट द अथॉरिटी मेकिंग एनी सच ऑर्डर मे रिफ्यूज टू डिस्क्लोज द फैक्ट्स व्हिच उस बंदे ने कहा मुझे बताए मुझे क्यों आपने पकड़ा, मुझे क्यों नजरबंद किया, अथॉरिटी कहते नहीं भी मैं आपको बताने की पाबंदी नहीं हूँ, ये ऐसा मैटर है जो पब्लिक हमारा इंटरेस्ट है उसके अगेंस्ट, लेकिन उसे चैलेंज करने का अख्तियार तो होगा, चैलेंज करने का अख्तियार है, चैलेंज में वो जवाब जरूरी नहीं है कि जो बोर्ड है वो जो वो जिसने ये ऑर्डर मेक किया था अथॉरिटी वो बाउंड नहीं है कि उसको सारे फैक्ट्स बताए, उतने फैक्ट्स बताएगी जितने वो समझो कि पब्लिक इंटरेस्ट में जरूरी थे,
यानी वो बाउंड यानी कि वो ये कह सकती है कि भी आप फलां कोई एक ऐसा इशू था जिसमें मुझे लगा है कि आप इन्वॉल्व है, मैंने पकड़ा है, लेकिन अब आप उसमें इन्वॉल्व नहीं है फर्ज करें और मैं आपको छोड़ भी रहा हूँ, तो जरूरी नहीं है मैं आपको बताऊँ की क्या इशू था, मुझे क्या लगा था। और जरूरी ये भी नहीं है कि मैं आपको बताऊँ की आपको मैंने पकड़ा उस इशू में, वो इशू ऐसा है मैं पब्लिक इंटरेस्ट में वो डिस्क्लोज नहीं कर सकता। ठीक है। Authority making the order shall furnish to the appropriate review board all documents relevant to relevant to the case. Board को सारी बातें बताएं। Board को सारी वो documents जमा कराएगा। हाँ, लेकिन उसमें कोई है। उसमें एक exception है कि unless a certificate signed by a secretary to the government concerned to the effect that it is not in the public interest to furnish any document in this board. अगर कोई document नहीं देते review board को, तो secretary level का बंदा एक certificate दे। हाँ। कि भाई हम आपको फ्लान डॉक्यूमेंट नहीं दे सकते, वो पब्लिक ऑर्डर पब्लिक इंटरेस्ट, क्योंकि वो रिव्यू बोर्ड हाई कोर्ट के जजिस पे है ना, या सुप्रीम कोर्ट के जजिस पे है, तो हर बंदे की बात वहाँ पे नहीं है। अगर डॉक्यूमेंट नहीं दिया तो भी कम से कम सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या सेक्रेटरी टू जो प्रोविंशियल चीफ मिनिस्टर है वो सर्टिफिकेट दे कि ये हम आपको इसलिए नहीं दे रहे कि पब्लिक इंटरेस्ट। यानी कि फर्ज करें मैं मिसाल डीसी की दे रहा हूं, गलत मिसाल तो नहीं है वैसे। नहीं ठीक है, डीसी ऑर्डर होता है डीसी की तरफ से। ठीक है, अब एक डीसी जो है वो ऑर्डर करता है और वो रिव्यू बोर्ड में चैलेंज होता है, रिव्यू बोर्ड उसे कहता है भी क्यों पकड़ा है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करवाता है, बीच में कुछ डॉक्यूमेंट्स मिसिंग करता है, कहता है ये पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है कि मैं नहीं बता सकता, तो वो कहेगा भाई सिर्फ तुम्हारे कहने पर नहीं हम सुनेंगे, अपने हमारे लेवल के किसी बंदे से करवा सकते हैं। आगे है कि विद इन पीरियड ऑफ 24 मंथ्स, अब ये लिमिट बता रहे हैं, अब ये लिमिट है कि टोटल कितना हो सकता है, टोटल कितना हो सकता है। विद इन पीरियड ऑफ 24 मंथ्स कमेंसिंग ऑन द डे ऑफ हिज फर्स्ट डिटेंशन इन परसुएंस ऑफ एन ऑर्डर मेड अंडर ए लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन, 24 महीनों के अंदर अंदर क्या होगा, नो पर्सन शैल बी डिटेन्ड इन परसुएंस ऑफ एनी सच ऑर्डर फॉर मोर देन ए टोटल पीरियड ऑफ 8 months, यानी कि 24 महीनों में से 8 महीने से ज्यादा आपको गिरफ्तार नहीं कर। अच्छा, लेकिन इसमें भी है, इन केस ऑफ ए पर्सन डिटेन्ड फॉर एक्टिंग इन ए मैनर प्रीजुडिशियल टू पब्लिक ऑर्डर, बता ना एक टर्म पब्लिक ऑर्डर वाला, उसमें आप 8 महीने से ज्यादा नहीं कर सकते, एंड 12 months इन एनी अदर केस। बाकी जो केस है जिसमें पाकिस्तान की वो तहफ़्फ़ुज़ के खिलाफ कोई मामला कर रहा है, वो आपको ये लग रहा है, तो उसमें भी आपके पास लिमिट जो है वो 12 महीने की है, यानी पब्लिक ऑर्डर के लिए 8 महीने की और बाकी जो ऑर्डर है बाकी जो चीजें हैं उसके लिए 12 महीने की। इसमें भी एक्सेप्शन आ गए। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट दिस क्लॉज शैल नॉट अप्लाई टू एनी पर्सन, अब ये जो लिमिट रखी है कि 8 महीने से ज्यादा नहीं कर सकते, ये उस बंदे पर अप्लाई नहीं होगा, मतलब ये है कि अब जिस बंदे का जिक्र आ रहा है उसको ज्यादा देर के लिए भी पकड़ा जा सकता है। वो बंदा कैसा है, हु इज एम्प्लॉयड बाय और वर्क्स फॉर और एक्ट्स ऑन इंस्ट्रक्शंस रिसीव्ड फ्रॉम द एनिमी, दुश्मन के लिए काम कर रहा हो या काम करने का इकदाम कर रहा हो या उससे हदायत लेके वसूल करके उसके मुताबिक काम कर रहा हो, और हु इज एक्टिंग और अटेम्प्टिंग टू एक्ट इन ए मैनर प्रीजुडिशियल टू द इंटेग्रिटी सिक्योरिटी और डिफेंस ऑफ पाकिस्तान or any part thereof or who commits or attempts to commit any act which amounts to an anti-national activity, قوم دشمن سرگرمی میں اگر کوئی ملوث ہے as defined in a federal law or is a member of any association which has for its objects or which indulges in any such anti-national activity, یعنی کہ اس میں دو باتیں آ گئیں سر، ایک تو یہ ہے نا کہ قوم دشمن سرگرمی میں اگر ملوث ہوگا تو اس کو یہ 8 مہینے والی لمٹ نہیں ہوگی، لیکن وہ قوم دشمن سرگرمی या तो फेडरल लॉ में डिफाइन हुई हो, ऐसे नहीं कि एक बंदा डीसी नहीं ये कह सकता कि ये मेरे नजदीक ये एंटी नेशनल एक्टिविटी है, और दूसरा ये है कि वो किसी ऐसी जमात का मेंबर है, अच्छा जो इस तरह के मकासद रखती है, ये जो कालेदिन जमात होती है वो उसी सेंस में आती है, उसी सेंस में आती है। ठीक है, द एप्रोप्रिएट रिव्यू बोर्ड शैल डिटरमिन द प्लेस ऑफ डिटेंशन ऑफ द पर्सन डिटेन्ड एंड फिक्स ए रीजनेबल अलाउंस फॉर हिज फैमिली, अब बंदे उसके बच्चे थोड़ी भूखे मारने, यानी कि किसी बंदे को अगर पकड़ा है तो पहले तो उसको किस हालात में रखा जा रहा है, किस जगह रखा जा रहा है। नहीं, ये जो होता है ना अप्रोप्रिएट रिव्यू बोर्ड, ये फिक्स करता है कि उसको रखना कहाँ है, मिसाल के तौर पर जेल में रखना है, मिसाल के तौर पर उनको घर में ही नजरबंद कर दिया, घर को सब जेल करार दे के, पहले तो डीसी दे सकता है ना, वो कुछ टाइम के लिए तो डीसी देगा या उसको जेल में रखेगा, लेकिन जब अप्रोप्रिएट रिव्यू बोर्ड जब उसको देखेगा वो तो वो उसको डिसाइड करेगा कि ये इसको कहाँ रखना चाहिए, कितना बड़ा इसने जुर्म किया है, जेल में या इसके लिए क्या मतलब है, इसके घर में रख दिया, किसी और के घर में रख दिया, रेस्ट हाउस में रख दिया, और उसके कितने पैसे मिलने चाहिए उनके फैमिली को, ये भी वो डिसाइड करेंगे, फैमिली को पीछे पैसे भेजेंगे। जी जी, कुछ नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई टू एनी पर्सन हु फॉर द टाइमिंग इज एन एनिमी एलियन, गैर मुल्की जो दुश्मन है उसके ऊपर ये चीजें अप्लाई नहीं होंगी।
इसको अगर मैं प्रिसाइज करके ना जी इसको समरी कर दूं, जी जो पूरा तो पूरा ये हो जो गया पूरा मार्केट पैराग्राफ, जी ये पूरा आर्टिकल जी नंबर 10 था ना, तो जिसको प्रिवेंटिव डिटेंशन में गिरफ्तार किया होगा तो उसका पहला ऑर्डर 3 माह का होगा और 15 दिन के अंदर अंदर उसको सारा बताया जाएगा। वो रिप्रेजेंटेशन भी कर सकता है, अगर वो रिप्रेजेंटेशन उसकी मंजूर होती है या नहीं होती है, इन आइदर केस 3 महीने के से कुछ देर पहले अप्रोप्रिएट रिव्यू बोर्ड भी बनेगा, यानी वो जो जिसने अथॉरिटी जी बनाई थी वो अप्रोप्रिएट रिव्यू बोर्ड की दरख्वास्त देगा कि जी बोर्ड बनाए चीफ साहब को, वो वहाँ पे रिपोर्ट बनाएगा, वो उसको रिकॉर्ड दे देगा कि डिसाइड करें, ये हमें तो 3 माह का दिया अच्छा था। वो ये बात पूछ लूँ, 3 माह से पहले तो रिव्यू बोर्ड बनेगा, लेकिन वो 15 दिन के अंदर जब उसने वो भी चैलेंज करना हाँ था वो भी तो कर चैलेंज सकता है, किसको करना वो था? चैलेंज करेगा हाई हाईकोर्ट कोर्ट में में, वो पहले चैलेंज करेगा जिसने ऑर्डर पास किया, उसको। ठीक फिर उसके बाद उसकी जो अथॉरिटी ऊपर वाली है होगी, ठीक जो भी कंप्लीट अथॉरिटी होगी, ठीक हाई कोर्ट में भी वो चैलेंज किया जा रिव्यू बोर्ड सकता में है। तो रिव्यू चैलेंज बोर्ड नहीं का कर तो पाता, हाँ रिव्यू अभी बोर्ड तो हाँ बाद में मान वो तो रहा। बाद में मांगा, ठीक ठीक है है जी। वो फिर वहाँ पे रिकॉर्ड वो भिजवाएगी गवर्नमेंट, जो जिसने भी वो किया, ठीक है उसके बाद वो फिर जो रिव्यू बोर्ड है वो इसकी लीगैलिटी डिसाइड करेगा कि वो लीगल ऑर्डर था नहीं था, वट ठीक एवर जो भी थी सूरत। अब जो ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत हो सकती है 24 मंथ में, वो 8 मंथ हो सकती है अगर पब्लिक ऑर्डर के अगेंस्ट उसकी कोई एक्टिविटी थी, और 24 मंथ में 12 मंथ के अगेंस्ट हो सकती है अगर कोई और पब्लिक ऑर्डर के अलावा अगर कोई उसने ज्यादा के सीरियस कोई खतरा था। चीज थी तो और ये भी जो है, ये जो लिमिटेशन है, ये जो एनिमी है या जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ हैं उनके अंदर ये भी फॉल नहीं ठीक करता। ठीक